बालोदा बाजार जिले के कसडोल में शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग और राजस्व विभाग की टीम ने ग्रामीणों की सूचना पर रिम्स अस्पताल रायपुर के एक बस को ग्रामीणों के साथ पकड़ा। इस बस में महिला, बच्चे और बूढ़ों को बिना कोरोना गाइडलाइंस के मुफ्त इलाज के नाम पर अस्पताल ले जाया जा रहा था। मौके पर पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जब ग्रामीणों से उनकी समस्याएं सुनी तो ग्रामीणों का कहना था कि उन्हें रिम्स अस्पताल में मुफ्त इलाज के लिए ले जाया जा रहा है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग के द्वारा रिम्स अस्पताल से संपर्क करने की कोशिश किया गया, लेकिन किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा संतोषजनक जवाब स्वास्थ्य विभाग और राजस्व विभाग को नहीं दिया गया, जिसके बाद मौके पर मौजूद टीम ने ग्रामीणों का नाम पता नोट करने के बाद ग्रामीणों को वापस उनके घर भेज दिया। सर, हमें खबर मिली थी ग्रामीणों के द्वारा यहाँ पर एक बस को रोका गया था जिसमें कई सारे गांव के लोग थे और बताया जा रहा था कि उनको रायपुर लेके जाया जा रहा है, तो लोगों के मन में काफ़ी सारी शंकाएं थी, तो हमने बस से पूछताछ की। बस में दो लोग वहाँ पे मिले जिन्होंने बताया कि वो सभी लोगों को इलाज कराने के लिए रायपुर के रिम्स हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं। फिर हमारे पास जब हमने उनसे किसी प्रकार के दस्तावेज की मांग की तो उनके द्वारा किसी प्रकार का दस्तावेज नहीं दिखाया गया, तो हमने सभी लोगों को समझा बुझाकर अपने अपने घर भेज दिया है अभी फिलहाल, और उन लोगों को समझा दिया है कि यदि आप लोगों को किसी को इलाज के लिए लेके जाना है तो आप दस्तावेज के साथ ही उनको आवागमन की सुविधा प्रदान करें। सर, इसमें सर ये जांच का विषय है, अभी हमने प्रारंभिक जानकारी इकट्ठा कर ली है और लोगों को अपने अपने घर भेज दिया है। इस संबंध में आगे की जानकारी जांच के बाद ही मैं उपलब्ध करा पाऊंगा। आप क्या कुछ जानकारी ले पाए बताइए। प्रशासन की सूचना पर मैं वहाँ जाकर देखने पर 30 से 40 लोग थे, जिसमें छोटे बच्चे, बूढ़े और जवान व्यक्ति थे, वो अलग अलग एरिया के थे। उनसे पूछने पर किसी के पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं था और कहाँ जा रहे हैं तो बोले कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए जा रहे हैं। मैंने पूछा कि कोई तकलीफ़ है क्या, तो ऐसा कुछ भी डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं थे, क्या तकलीफ़ के लिए जा रहे थे वो भी क्लियर नहीं किए उन्होंने। सर, तो क्या कुछ लग रहा है इसमें रिम्स प्रबंधन से आपसे बात हुई, क्या कुछ इस मामले में और आगे बातचीत की आपने? रिम्स मैनेजमेंट से बात हुआ तो उन्होंने कुछ खास जानकारी नहीं दिया कि यहाँ आने के बाद जांच होने के बाद पता चलेगा कि क्या बीमारी है। सर, ले जाने वाला कौन था? कई ग्रामीणों ने मितानिनों को बताया कि उसका जरिया ले जाने का। देखिए, आपके माध्यम से सूचना मिली है, अगर मेरी मितानिन होगी तो मैं उस पर कार्रवाई करूंगा। और बड़ा स्कैम ये लग रहा है आयुष्मान कार्ड को स्वाइप करने का, ये किस हद तक आपको समझ आ रही है? अब देखिए, इसके बारे में यहाँ से नहीं बता सकता, रिम्स प्रबंधन से बात होने के बाद और वहाँ की जांच करने के बाद पता चल पाएगा। फिलहाल क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए, मेरी तरफ से यह है कि कोई भी मरीज़ को कुछ तकलीफ नहीं लग रहा है बाहरी तरफ से जांच करने पर, और जैसे सोनोग्राफी वगैरह करने के बाद अगर कुछ बीमारी आती है तो इसके बारे में नहीं बोल सकते। कहाँ जा रहे हैं? मैं मटिया से आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं? रायपुर। क्या करने जा रहे हैं? बच्चेदानी के प्रॉब्लम है दिखाने। अच्छा, कौन सा हॉस्पिटल में जा रहे हैं? रिम्स। रिम्स में जा रहे हैं, तो क्या कुछ स्कीम के तहत आप लोग को ले जाया जा रहा है? हम अलावासने के ही सर, देख अच्छा से इलाज होते देखवा लो, ऐसे के ही सर जाबो अख्तियार हो क्या है। तो पूरा गांव के गांव जाते? नहीं, हम पति पत्नी जाते। और बाकी जो हवे बस में उन कहां से है? उन मटिया से, हर नौ आदमी है मटिया से। तो वहां का फ्री में इलाज होता? हाँ, फ्री में बोली से। तो फ्री में कैसे इलाज होता? आयुष्मान कार्ड वगैरह कुछ? राशन कार्ड, आधार कार्ड लेके जहाँ कैसे तले गए धरे हैं। हाँ हाँ, तो यहाँ बलौदा बाजार में ही हुआ होगा ऑपरेशन? अब हमारा सरकारी अस्पताल है लेकिन हमारा जानकारी नहीं जैसे वहाँ होते कैसे तो वहाँ जाब करके दिया इसने मितानिन मन बताई सा वो ऊपर साथ में वो कौन है तेरे पता नहीं है। अच्छा, मितानिन मन बताई सा। हाँ, का नाम है तो गांव मितानिन के? अब हमन के वार्ड है कि मितानिन के नाम सरस्वती नाम है। सरस्वती नाम है? हाँ। तो रिम्स में जाए पर बोले? हाँ ठीक। वो रिम्स हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। हाँ। और हम नवागढ़ कोटिया से हैं। अच्छा, क्या काम है आपका बेसिकली? हम तो पूरा जनता सेवा करते हैं, खेती बाड़ी भी करते हैं, और जैसे जैसे टाइम रहते वैसे वैसे जो भी काम है गरीबों का सेवा करना वो सब करते हैं। किनके कहने पे लेके जा रहे हैं इसको? हॉस्पिटल में किस तरीके से मुफ्त इलाज हो रही है ये समझाने की कोशिश करें हम। बहुत चीज़ तो राशन कार्ड से हो रहे हैं, बहुत चीज़ निःशुल्क से है। अच्छा, तो ऐसा कोई स्कीम है हॉस्पिटल का कि फ्री में इलाज किया जाएगा? हाँ, फ्री में होते हैं वहाँ इलाज। नहीं, जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल का जो गाइडलाइन है, पहले तो आप लोग ठसाठस भर के लेके जा रहे हैं, क्या हॉस्पिटल इसका अनुमति दिया है कि इस तरीके से भर के लेके जाए? नहीं, आज ही ज़्यादा हुए हैं, नहीं तो हम लोग तो 10-20 ले जा रहे थे इतना दिन से। हमारे भी न्यूज बने हुए हैं, उसमें हम जैसे 50 भरते हैं पेशेंट, उसमें तो 50 नहीं ले जाते हैं, 2-4, 10-20 ऐसे ले जाते हैं। और कौन कौन है आपके साथ? अभी विधायक सांसद के बात कर रहे थे आप? अभी यहाँ कोई कुछ नहीं है, जुड़े हुए हैं हॉस्पिटल से अभी जुड़े हुए हैं। तो और कौन कौन जुड़े विधायक, कहाँ के विधायक जुड़े हुए हैं आपसे? मेरे से जिला जांजगीर चांपा।
अच्छा, नारायण चंदेल है, गुहाराम अजगले है, इस चीज में नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन मेरे माए वो भी मतलब मेहनती कार्यकर्ता में मैं प्रसिद्ध हूँ उनके भी जरिए से। अच्छा, हाँ, तो इनका जो भी गरीबों तक नहीं पहुँचते कुछ भी काम उसको हम पहुँचाते हैं। अच्छा, बस तो कैसे सर्च करते हैं आप लोग गांव गांव में किसको ये तकलीफ है, इसको ये बीमारी है? नहीं, वो लोग ना वैसे मोबाइल के जरिए से वो लोग पता करते हैं कि क्या कर रही हो दीदी, कैसे कॉल वॉल नहीं करती हो, तो आजकल तो हॉस्पिटल को देख रहे हैं, खेती बाड़ी के दिन आएंगे तो फिर खेती बाड़ी देखेंगे ऐसे बोलकर ना फिर बताते हैं, तो वो लोग हमें भी जाना है ऐसे बोलकर बताते हैं, फिर वो अच्छा से इलाज करवा कर आ जाते हैं, उसके बाद अपने रिश्तेदारी को बताते हैं, देखने नहीं जाते हैं, नसबंदी हो गए तो देखने जाते हैं, या बच्चेदानी ऑपरेशन हो गए तो अब अपने रिश्तेदार को तो देखने जाएंगे ही, तो उसी को ना देखने जाने के जरिए से वो लोग हमारा भी ये प्रॉब्लम है, आँख का ऑपरेशन है या फिर और कुछ कुछ गठान वठान रहते हैं शरीर में, तो सब निःशुल्क है बोलकर सुन करना फिर कॉल करते हैं तो ले जाते हैं। तो ये बस बस भी हॉस्पिटल प्रबंधन भेजता है? हाँ, हॉस्पिटल से है पूरा, रहने खाने का सब चीज़ का सब सुविधा है, पूरा निःशुल्क है, बेड चार्ज कुछ नहीं लगते हैं, पूरा निःशुल्क है। हाँ, तो सारी ट्रीटमेंट खर्चा कहाँ से वहन किया जा रहा है? रिम्स उठाते हैं और जो पैकेज रहते हैं राशन कार्ड के जरिए से वो राशन कार्ड में होते हैं, बाकी निःशुल्क है। क्या नाम है आपका? राजकुमारी केसी।